नमस्कार। ये दो चीज अगर आपके अंदर है ना, तो वह कार्य आपका कोई सा भी हो, असंभव कार्य को संभव बनाती है ये दो चीजें। दिखने में ये दो चीजें बिल्कुल आपको छोटी लग सकती है। आप कहेंगे सर ये चीज असंभव को संभव बनाती है, बिल्कुल डेफिनेटली श्योर। अगर ये दो चीजें अगर आपने काम स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्ट टू वर्क, इफ यू हैव इन योर हार्ट यू कैन सक्सेस डेफिनेट, आई एम श्योर, मुझे तो विश्वास है। बस ये एक बार आप करके देखिए, कुछ भी, चाहे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप फैमिली के कुछ नया कार्य कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी सोशल वर्क कर रहे हो, कुछ भी, ये दो चीज सबसे पहले अपने अंदर, अपने मन में उतार देना, आपका वो कार्य, मुझे नहीं लगता कि अनसक्सेस होगा। हो सकता है कि मे बी टेक अ लॉन्ग टाइम, बट इट विल बी कंप्लीट। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ले, लेकिन वह पूरा कंप्लीट अवश्य होगा। बस इस दो चीजों को अपने अंदर स्ट्रॉन्ग, प्रगाढ़ तरीके से अपने अंदर रखना। और वह दो चीज क्या है पता है आपको? फर्स्ट विश्वास, कॉन्फिडेंस, बिलीव। कुछ भी वर्क स्टार्ट करो ना, उससे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को मजबूत करना। और अपने आप को एक बार पूरा तैयार कर लेना किसी वर्क के लिए, कि नहीं, मैं ये कार्य स्टार्ट करने जा रहा हूं और मुझे बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है कि यह कार्य मेरा पूरा होगा। विश्वास, अगर आपके अंदर विश्वास होगा ना, तो डेफिनेटली कोई सा भी वर्क हो आपका पूरा हो जाएगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, मैं भी आपने उस स्टोरी को कहीं ना कहीं हियर किया होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। वो स्टोरी एक विश्वास के ऊपर आधारित है। कहते हैं ना कि जब मन में विश्वास हो तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी डिगा सकते हैं। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा, कितना बड़ा विशाल पहाड़ एक व्यक्ति ने तोड़ दिया सिर्फ छेनी और हथौड़ी से। बिलीव कर सकते हो? हो सकता है उसको टाइम लगा, 22 साल लगे उस पहाड़ को उसको चीरने के लिए और उसके अंदर रास्ता बनाने के लिए। 22 साल लगे दशरथ मांझी को, जो 55 किलोमीटर का रास्ता था, जो घूम कर जाया जाता था, वो उन्होंने 15 किलोमीटर का कर दिया। कैसे? हाउ हाउ डिड इट डन? कैसे? दशरथ मांझी ने जब वो पहाड़ देखा, तब अच्छे अच्छे लोगों ने कहा कि दिस इज अ मेड पर्सन, पागल पर्सन, ये पहाड़ इससे क्या टूट पाएगा, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये इस पहाड़ को नहीं चीर पाए। लेकिन ओनली ओन सिर्फ दशरथ मांझी एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके अंदर, उसके मन में विश्वास था, स्ट्रोंग विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि मैं इस पहाड़ को चीर के दिखाऊंगा अपनी लाइफ। तो उसका कार्य कंप्लीट हुआ, सक्सेस हुआ। कैसे? हाउ? विश्वास। अंदर मन में विश्वास था कि नहीं, मैं इसको चीर दूंगा, और चीरा उसने, रास्ता बनाया। तो मन में विश्वास पैदा करना, अपने आप में विश्वास रखना, कोई भी वर्क आपके लिए असंभव वर्क भी संभव बन जाएगा। सेकंड, आशीर्वाद। आप मन में विश्वास रखते हो ना, साथ में प्रभु का साथ रखना और विश्वास रखना और प्रभु से का आशीर्वाद रखना, अपने वर्क में प्रभु से प्रार्थना रखना। अब बहुत से लोग कहते हैं सर कि हम मेहनत करते हैं और साथ में प्रभु का आशीर्वाद और प्रभु की प्रार्थना, उससे क्या होता है? महाभारत, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण से कुछ मांगने जाते हैं, मूर्ख दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से भगवान की सेना मांगता है
और अर्जुन क्या मांगता है भगवान से कृष्ण से, भगवान से कृष्ण मांगता है, स्वयं भगवान से कृष्ण को मांगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर भगवान मेरे साथ रहेगा तो मुझे कॉन्फिडेंस होगा, मुझे विश्वास होगा कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा। भले ही भगवान उस कार्य को करने नहीं आएंगे, महाभारत में भगवान ने श्री कृष्ण ने एक भी अस्त्र नहीं उठाया था, सिर्फ अर्जुन और पांडव के साथ रहे थे, और बस साथ रहने से वो युद्ध जीत गए। तो बस हर कार्य में भगवान को अपने साथ रखना, प्रार्थना करना प्रभु से और प्रभु को कहना प्रभु मेरे साथ रहे, यह आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक आध्यात्मिक एनर्जी पैदा करता है, एक मन में एक अथाह विश्वास पैदा करता है किसी काम के प्रति, प्रभु में विश्वास और प्रभु की प्रार्थना से। यह होता है प्रभु के साथ होने से आपका कोई भी कार्य, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अगर कोई भी कार्य आपको पहाड़ जैसा लगे तो ये दो चीज अपने मन में रखना, विश्वास और प्रभु का साथ। ये दो चीज आपके अंदर होगी ना तो कोई भी असंभव कार्य भी आपके लिए संभव हो जाएगा।